हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जैन सुधा किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी मजे में हूँ और आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ठीक रहिए। मेरी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए और मेरी रेसिपी को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी वीडियो पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आज लेके आई हूँ आलू गोभी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटी है। आज मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करके बनाऊंगी ट्विस्ट के साथ। और यहाँ पे ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है देखने में भी। और आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ और पराठे और सबसे ज़्यादा पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और पूरी के साथ आलू गोभी की सब्जी का तो स्वाद ही अलग है और वाह वाह मज़ा आ जाता है जब लोग खाते हैं पूरी के साथ। और अब त्यौहार आ रहे हैं, आप इसे बनाइए पूरी आलू गोभी की सब्जी को। चलिए तो तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू गोभी की जो सब्जी काटी है उसको सबसे पहले मैं गोभी को फ्राई कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, रोस्ट होने देंगे। इतने मेरी आलू गोभी की सब्जी रोस्ट हो रही है तो मैं इतने अपनी जो वेजिस हैं प्याज लहसुन वगैरह को चॉप कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने तैयारी सारी शुरू कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया, हरा धनिया, टमाटर और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया है। और चलिए तैयारी शुरू करते हैं तड़का लगाने की। अब मैं गोभी को निकाल लूँगी कढ़ाई में से, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट गोभी फ्राई हो चुकी है। और इस तरह का तरीके से अगर आप फ्राई करके बनाते हैं तो गोभी बहुत ही टेस्टी बनती है और मज़ा आ जाता है खाने में भी। सारी गोभी मैंने निकाल ली है, उसके बाद मैं आलू को भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी। आलू को मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा, जिस तरीके से हमने गोभी को फ्राई किया है आलू को भी फ्राई कर लेंगे। और आलू फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी देखिए। और इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है सब्जी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। कढ़ाई गर्म है थोड़ी सी, अब उसी में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, मेरा बचा हुआ ऑयल रखा था तो ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमने फ्राई भी किया है, कुछ तेल उसमें भी है। और सबसे पहले मैं इसमें खड़े मसाले डाल दूँगी, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च और तेज पत्ता। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया, प्याज भून लूँगी मैं अच्छी तरीके से, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। आप अवॉइड भी कर सकते हो अगर नहीं खाते हो अदरक लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पे हम खा लेते हैं तो थोड़ा सा मैंने डाल लिया है। अब आप इसे टमाटर डाल के भी बना सकते हो फ्राई करके, तो भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, सूखी सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, दो टमाटर ऐड कर दिया है मैंने इसमें। टमाटर थोड़े सस्ते हो रहे हैं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे दो डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला, नमक और हल्दी, मिर्च थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च पीसी हुई है और एक काटी भी है, तो ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और हमें मसाले थोड़े कम ही खाने चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे रहते हैं। यहाँ पे मसालों को थोड़ा सा भून लूँगी। और लास्ट में मैंने डाल दिया इसमें हींग, जो कि हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मसाले हमारे भुन गए थे, ये देखिए तेल निकलना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि सूखी सब्जी बनानी है हमें। और थोड़ा सा हमारे मसाले रोस्ट हो गए थे तो मैंने इसमें गोभी ऐड कर दिया, मिला लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, और जो हमने आलू फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे इसमें। आप इस तरीके से बनाइए, बिल्कुल हलवाई स्टाइल गोभी की सब्जी बनती है। आप पूरी के साथ इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है पूरी के साथ तो आलू गोभी की सब्जी, और सबकी फेवरेट होती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब रक्षाबंधन आ रहा है तो आप इस रेसिपी को बनाइए, इस तरीके से फ्राई करके बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और देखिए मेरी ऑलमोस्ट सब्जी अधिकतर पक गई है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, आलू गल गए हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय।